हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं द कॉर्पोरेट जायंट डॉक्टर नदीम अहमद। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू जी। अब पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि रिसेंटली कोविड हैज़ बीन एब्सोल्युटली डेविस्टेटिंग टू ऑल बिजनेसेस, सो IBL ग्रुप ने, जिसको आप मैनेज करते हैं, कोविड को से किस तरह से अडैप्ट किया है और उससे क्या सीखा है? जी, सबसे पहले शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और आप IBL और सेल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, जो कोरोना था ये हम सब के लिए 2 साल पहले एक बिल्कुल नई चीज़ था इस दुनिया के लिए, और दुनिया को नहीं मालूम था इससे कैसे लड़ाई लड़नी है, और ये एक अजाब की तरह, एक पेंडेमिक की तरह पूरी दुनिया पे नाजिल हो गए। आई रिमेंबर लास्ट ईयर 23rd of March इट वॉज अनाउंस बाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर लॉकडाउन शुरू किया जाए, और उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेस करेगा, दुनिया कैसे आगे जाएगी और ये कितना ख़तरनाक होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया ने मिलकर जिस तरह मेहनत की और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जिस तरह इसकी वैक्सीन पर दिन रात काम किया, आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अब हमें काफ़ी कुछ ये समझ में आ गया है कि इस पेंडेमिक से कैसे लड़ना। दुनिया में अक्सर मसाइल आते रहते हैं, मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन मरीनो इंसान हमेशा उससे लड़ता है और जीत जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तान भी इससे जीत जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है, इससे हमने क्या सीखा, तो इससे हमने ये सीखा कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए। जो भी मुश्किलें आए, जो भी परेशानी आए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। वही हमने किया और वही इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। आप सर्ल फार्मास्यूटिकल के भी हेड हैं। जी जी। एंड तो सर्ल फार्मास्यूटिकल का क्या कोई कोविड वैक्सीन पे इस वक्त काम चल रहा है या नहीं? जी हाँ, हमारी एक बहुत बड़ी चाइनीज फर्म है लिवजोन, जिसके 3rd trial के ऊपर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। ओके। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम पाकिस्तान में वैक्सीन लॉन्च करेंगे, होपफुली। अच्छा, कोविड की वजह से जो जनरल 9 to 5 वर्क का कॉन्सेप्ट था, उसकी तो हालत बुरी हो चुकी है डाउनसाइजिंग वगैरह की वजह से। अब टाइम बेस्ड वर्क के बजाय टास्क बेस्ड वर्क पे काफ़ी फोकस आया है, तो आपके ख्याल में क्या ये पॉजिटिव चेंज है, और अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज जैसा भी है, आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? देखिए, जैसे आपने शुरू में सवाल किया था कि हमने क्या सीखा, तो ये भी एक चीज़ हमने सीखी है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। और अभी भी इस वक्त भी, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन कंटिन्यू है पाकिस्तान में, तो 50% हमारी वर्कफोर्स अभी भी घर से काम कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ करें कि हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। और हमने इस तरह से प्लान कर लिया है कि अगर आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कल मेरी जगह पर कोई दूसरा उस जगह होता है, यानी तकरीबन उसी काम के मुताबिक। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक नई चीज़ सीखी है और दुनिया ने सीखा है इसको, और आने वाले वक्त के अंदर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ख़ास तौर पे मैं अभी पिछले दिनों कहीं कह रहा था कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो इतना काम नहीं कर रही पाकिस्तान में। उसके कई वजूहात हैं, उन्हें घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिलती, कुछ लोग कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में पल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, कुछ को डर होता है माशरे का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है, ये हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, और बहुत सारी ख़वातीन अब घर बैठ के काम कर सकेंगी जो अब तक नहीं कर रही। अच्छा, जहाँ एम्प्लॉयबिलिटी की बात आती है, तो एज एन एम्प्लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट हेड, आप एक पोटेंशियल एम्प्लॉय में क्या क्वालिटीज़ ढूंढते हैं? देखिए, मैं नॉर्मली जो बहुत बिलीव करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट पे बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि लोगों को ऑब्जेक्टिव दिया जाए, टीम बनाई जाए, उनको सक्सेस का पार्ट बनाया जाए, और फिर हम मिलके कामयाबी को हासिल करें। तो हमारे ग्रुप में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टीम्स बनी हुई हैं, ए टीम, बी टीम, सी टीम, और हम सब मिलके काम करते हैं। जो चीज़ मैं एम्प्लॉय में सबसे ज़्यादा देखता हूँ, एक तो उसकी एनर्जी कि वो ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहता है, और जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, वो है इंटेग्रिटी, कि उसकी इंटेग्रिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो कितना लॉयल है अपने काम से और अपने आप से। अगर वो अपने आप से और अपने काम से लॉयल नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसका लॉयल होना
ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपनी ज़ात के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़रूरी है कारोबार के लिए। अच्छा, आपने एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह की बात तो अभी की, लेकिन रिसेंटली अगर देखें तो वेस्ट में जो डिग्री, फॉर्मल डिग्री के ऊपर जो एम्फेसिस था वो अब इतना नहीं रहा है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो क्या ये अभी तक एप्लीकेबल है, और क्या इस तरह का चेंज आ रहा है कि अब डिग्री की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है जितनी पहले थी? देखिए, तालीम जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई, एक है एकेडमिक एजुकेशन और एक होती है प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि आपको सोसाइटी सिखाती है या जब आप काम पे होते हैं वो आपको सिखाता है। आज के दौर में, जिस दौर में हम रहते हैं, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर एकेडमिक एजुकेशन की जो वैल्यू है डे बाई डे कम होती जा रही है, और जो स्पैन ऑफ अटेंशन है यंगस्टर का, पीपल लाइक योर एज, उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत छोटा होता जा रहा है। तो दे वॉन्टेड टू जम्प वेरी क्विकली टू द कंक्लूजन, एंड द रीज़न इज़ कि उनके पास चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़माने में अगर हमें किसी लफ्ज़ के मानी नहीं आते थे तो हम डिक्शनरी लेते थे, डिक्शनरी से वर्ड लेते थे, फिर उसके मानी ढूंढते थे। आज आपके पास एक फ़ोन होता है और उसी में मानी भी मिल जाते हैं, उसी में मतलब भी मिल जाता है। तो वक्त नहीं है जनरेशन के पास। तो मैं समझता ये हूँ कि तालीम आज भी मौजूद है, इल्म आज भी मौजूद है, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है एकेडमी से टेक्नोलॉजी की तरफ। अच्छा, आपने हमारी जनरेशन की बात की, हमारे अटेंशन स्पैन की भी बात की, तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम में अब वो अटेंशन स्पैन रहा नहीं है जो पहले था, और उसकी वजह से अब हम लोगों को 9 to 5 जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम साइड पे अपनी वेंचर्स परस्यू कर सकें, अपनी हॉबीज़ परस्यू कर सकें। तो आज के कॉर्पोरेट कल्चर में, पाकिस्तान में, क्या ये एक्सेप्टेबल है कि 9 to 5 के अलावा साइड पे जॉब चल रही हो? अभी मुझे, मैंने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन तो मैं गारंटी नहीं कर सकता इस डेटा की वेरी कि ये इतना कितना ऑथेंटिक है, लेकिन मैं बिलीव कर सकता हूँ उसके ऊपर। कि मुझे अभी कोई साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान में कोई 40,000 यंगस्टर ने जो कारोबार शुरू किया उसमें से कोई 80-85% यंगस्टर कामयाब रहे। वाओ, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि आज के दौर में जो यंगस्टर हैं वो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ कारोबार शुरू कर रहे हैं और वो बहुत कामयाब हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये रुझान सारी दुनिया में है, और सारी दुनिया के लोग अब प्रोग्रेस कर रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली ये काफ़ी नोटिस हुआ है, इनफैक्ट काफ़ी टाइम से ये चलता आ रहा है कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। उसकी एक वजह ये है कि ग्रेजुएट्स को या स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि बाय द टाइम दे ग्रेजुएट जॉब मार्केट किस तरह की होगी और उनकी डिग्री की डिमांड होगी भी या नहीं। तो क्या बड़ी कंपनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इस चीज़ पर काम करती हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में डिमांड है, कि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं? जी जी, देखिए, एक तरफ तो ये कंप्लेन है कि जॉब्स नहीं है, मेरी कंप्लेन ये है कि अच्छा स्टाफ नहीं है। ओके, ठीक है ना। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंडस्ट्री एंड एकेडमिया रिलेशन के साथ चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी हम रिसेंटली हमने IBA के साथ वेंचर किया है, हम NED यूनिवर्सिटी के साथ वेंचर किया है, हमने फार्मेसी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के साथ किया है, लम्स के साथ हम प्लान कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाकर ये बताएं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी एकेडमी में शामिल की जाएं कि वो हमारे पास आके जब इंटर्नशिप करें और हमारे पास ट्रेनिंग करें तो फिर हम उन्हें कहीं जाने ना दें। तो मेरा ख़्याल है कि इससे मुझे उम्मीद है कि हमारी एकेडमी भी थोड़ी सी बेहतर होगी और हमें ऐसे स्टाफ भी मिलेंगे जो कि प्रोडक्टिव होंगे फ्रॉम द डे वन। आपने IBA मेंशन किया, तो अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, यू मेंशन समथिंग अबाउट न्यूरो मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ IBA में आप स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, हम अभी पाकिस्तान की पहली न्यूरो मार्केटिंग लैब सेटअप कर रहे हैं IBA के साथ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दैट लैब विल बिकम द पार्ट ऑफ MBA करिकुलम, और बच्चों को फिर MBA में ये न्यूरो मार्केटिंग पढ़ने का मौका मिलेगा जिससे वो ज़्यादा करीब जा सकेंगे सॉल्यूशंस के। सही, न्यूरो मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, क्योंकि मैंने ये टर्म पहली बार सुना है। अच्छा, न्यूरो मार्केटिंग बड़ा आसान सी बात है, वो ये है कि कुछ गैजेट्स होंगे जो हम आपको प्लेस कर देंगे आपके माइंड में और जगहों पर, और हम आपसे सवाल करेंगे, तो जब आप जवाब देंगे तो
जो जवाब आप देंगे हम स्क्रीन पे देख सकेंगे कि जवाब आप वाकई सच दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ओके, तो हम आपकी इंटरनल फीलिंग को कैच कर लेंगे एंड रादर योर वर्ड्स। ऑलराइट, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप बहुत सारे जो जवाब देते हैं वो अंडर दी किसी इंप्रेशन के दे देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा यार ये मेरे रुमाल का रंग आपको कैसे लग रहा है, तो आप कह देंगे बहुत अच्छा है, शायद दिल से आपको पसंद ना आया हो, लेकिन जब मैं वो गैजेट्स आपको प्लेस करके पूछूंगा तो जवाब आएगा आई डोंट लाइक इट। ओके, ये काफ़ी हद तक साइकोलॉजी से रिलेटेड है। सॉर्ट ऑफ, यस यस। आपने न्यूरो मार्केटिंग की अभी बात की कि वो बता सकता है कि ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपकी, तो ये काफ़ी लाई डिटेक्टर्स से मिलता जुलता है जो ऑलरेडी इस्तेमाल में है। जी, तो ये डिफ्रेंसिएशन किस तरह से क्रिएट होता है बिटवीन न्यूरो मार्केटिंग एंड लाइक? वो बेसिकली क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है और वो क्राइम्स के लिए डिवाइस बनाई गई है, जबकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड्स, जो हम डिफरेंट टेस्ट करवाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, और ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर्स हमको फीडबैक मिले वो सच मिले, वो ट्रू मिले, जो वो इनसाइट फील कर रहे हैं हमको वो मिले। तो मेरा ख्याल है कि इसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है, और इसका ताल्लुक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और ब्रांडिंग से ज़्यादा है। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे हैं, आपने मेरी मदर को भी पढ़ा है, नॉट कि आपकी एज इतनी है, आप काफ़ी यंग एज में पढ़ाते थे। जी 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 जी, जी. तो मेरा उससे रिलेटेड आपसे सवाल ये है कि क्या टीचिंग ज़्यादा आसान थी या कॉर्पोरेट हेड होना एक IBL जैसे ग्रुप का? देखिए, मैं अभी भी कभी कभी जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि और मुल्क से बाहर भी अगर मौका मिलता है तो। दरअसल पढ़ाना जो है वो सीखने का एक बहाना है। मैंने कभी भी जो पढ़ाया है वो इसलिए नहीं पढ़ाया है कि मुझे ज़्यादा आगे है, मैंने हमेशा इसलिए पढ़ाया है कि मैं सीखना चाहता हूँ। आज भी जब मैं किसी MBA की क्लास में जाता हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या सीखते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कुछ सीख के बाहर आ जाता हूँ। जब यंगस्टर मुझसे सवालात करते हैं, पूछते हैं ज़िंदगी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे उनके व्यूज़ का अंदाज़ा होता है, मुझे पता चलता है कि सोसाइटी कहाँ जा रही है, कंज्यूमर कहाँ जा रहा है, वो कैसे सोचते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ाना दरअसल सीखने का एक बहाना है। ठीक है, तो बीइंग ए बिजनेस स्टूडेंट, अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तो मेरी लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ डील करना और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो CEOs वगैरह हैं उनसे डील करना ज़्यादा आसान क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड के CEOs को अटेंड करना ज़्यादा आसान है। वाओ, ओके। क्योंकि बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो ज़्यादा स्मार्ट सवाल करते हैं। आपने स्मार्ट सवाल तो करते हैं, लेकिन आप भी कोई कम स्मार्ट नहीं है, आपने हार्वर्ड से पढ़ा है, स्टैनफोर्ड से पढ़ा है और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, मतलब दुनिया की टॉप 5 में से 3 यूनिवर्सिटी से तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वाई? नहीं, इसके अलावा मैंने यूरोपियन यूनिवर्सिटी यू बिजनेस स्कूल से, स्विट्जरलैंड से अपनी PhD भी की है। देखिए, इदारे कभी भी किसी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं बनाते, हार्वर्ड हो, ऑक्सफोर्ड हो, स्टैनफोर्ड हो, MIT हो, दरअसल आप में जो होता है वही निकल के बाहर आ जाता है। कोई इदारा भी किसी इंसान को इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, ये इदारे दरअसल हमको एक मौका देते हैं एक दूसरे से मिलने का। और मैंने यहाँ से एकेडमिक एजुकेशन्स नहीं ली थी, बेसिकली मैं यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए गया था, और जब मैं वहाँ गया और मैं इंटरेक्ट किया अपने कलीग्स के साथ जो वहाँ पढ़ने आए हुए थे, फ्रेंड्स के साथ, मेरे ख्याल है वो ज़्यादा बड़ी लर्निंग थी क्लासरूम लेक्चर के हवाले से। ओके, तो वो दरअसल एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर आप किसी भी केस स्टडी को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। अगर हम हार्वर्ड की मिसाल लें कि अगर वहाँ 20 स्टूडेंट क्लास में होते हैं तो वो 18 मुल्कों से आए हुए होते हैं, तो वो आपके लिए जो एक पर्सपेक्टिव होता है ग्लोबल और डाइवर्सिफाइड पर्सपेक्टिव, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रादर देन गोइंग इनटू एकेडमिक एजुकेशन। ठीक है, तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड, इन्हें अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर रैंक करें From best to not worst but least best, मैं कहूँगा। असल में इसमें कोई अच्छा बुरे का सवाल नहीं है, बात यह थी कि मुझे शौक़ था, मुझे शौक़ है, मेरा दिल चाहता है कि जितने भी दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं मैं वहाँ जाऊँ और इल्म हासिल करूँ और समझूँ, तो इसमें कोई एक या दो तीन नहीं है, इनका कोई कंपेरिज़न आपस में नहीं है। हर इदारा, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक अहमियत
और अपनी एक वैल्यू होती है। तो तीनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, तीनों की अपनी अपनी एक हैसियत है, और कहीं से किसी इदारे से कोई निकल के बहुत बड़ी पोजीशन पे चला जाता है, कोई कहीं से चला जाता है, तो नॉट नेसेसरी। अच्छा, आप आईबीएल ग्रुप को हेड करते हैं जिस जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम करता है, वो फार्मा में है, एग्रीकल्चर में है, टेक्सटाइल में है, फूड में है, होम इंडस्ट्री होम गुड्स में है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को मैनेज किस तरह से करते हैं आप? मैनेज तो मैं सिर्फ बिजनेस करता हूँ, वो अब किसी भी इंडस्ट्री का हो तो वो इंडस्ट्री इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कॉमन सेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो प्रिवेलिंग चीज़ है किसी भी इंडस्ट्री में वो कॉमन सेंस है। 2+2=4 ही होते हैं, वो चाहे आप खिलौने बेचें, चाहे कपड़े बेचें, चाहे दवा बेचें, ज़मीन बेचें, घर बेचें या ख़रीदें। तो मैं समझता हूँ अगर बुनियादी तौर पर आपका मैथमेटिक्स, आपका कॉमन सेंस अलाइव है और ठीक है तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज्ड है। हमने मैकेंजी को इंगेज किया, उसने 2 साल हमें ट्रेन किया। हमारा कल्चर बहुत कॉपरेट है। जो स्पेशलिस्ट हैं वो निदारे के सीईओज हैं। तो अगर मैं होम इंडस्ट्री में हूँ तो होम इंडस्ट्री का एक्सपर्ट वहाँ का सीईओ है। अगर मैं फार्मा में हूँ तो फार्मा का हेड सीईओ है। अगर मैं एग्रीकल्चर में हूँ तो एग्रीकल्चर, एंड देन दे ऑल रिपोर्ट टू मी। फिर हमारा एक बोर्ड है जिसमें बहुत ही काबिल लोग उसमें शामिल हैं। तो एक कॉर्पोरेट कल्चर के ज़रिए जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास काफ़ी एजुकेटेड टीम होती है। और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि आज का दौर टीम वर्क का दौर है, सबको मिल के काम करना है, तो उसमें कहीं मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल देता हूँ अपनी टीम के साथ और हम मिलजुल कर आगे बढ़ जाते हैं। और काबिल लोगों से बिज़नेस भी ज़्यादा काबिल बनता है। जी हाँ, काबिल भी लोग हैं, माशाल्लाह ईमानदार भी हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड के 3 बहुत बड़े अवार्ड्स हैं पाकिस्तान में जो हमें मिले हैं, जिसमें से हमको एक कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड मिला है ग्लोबल, एक अभी हमको रिसेंटली एशिया मनी बेस्ट कंपनी द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का अवार्ड मिला है। उससे पहले हमें फोर्ब्स ने अंडर $1 बिलियन बेस्ट कंपनी का अवार्ड हमको अनाउंस किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत ग्रेट अचीवमेंट्स, कांग्रेचुलेशंस, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू। व्हिच लीड्स इनटू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया है, आप और क्या अचीव करना चाहते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो, अभी बहुत कुछ अचीव हुआ है, इज़ द बिगिनिंग। अगर हम अपने नेबर्स में नज़र डालें, इंडिया में, चाइना में, जापान में, तो अगर हम उनसे मुकाबला करें तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तो हमें ठीक है, हमें थोड़ा खुश होना चाहिए हमने क्या अचीव किया, लेकिन इस पर कोई घमंड या फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभी आगाज़ है। सही। और अभी हमें बहुत बड़ा सफ़र हमारा बाकी है। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री कोई $3.2 बिलियन की है। हिंदुस्तान में, चाइना में, जापान में एक कंपनी से ज़्यादा रेवेन्यू करती है। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो बहुत कुछ करना बाकी है। इससे रिलेटेड सवाल ये है कि आप IBL ग्रुप को अगले 5 साल या अगले 10 साल में कहाँ पर देखते हैं? येस ऑफकोर्स, मैं चाहता हूँ अभी हम नंबर 1 ग्रुप नहीं है पाकिस्तान के। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे कि हम IBL को पाकिस्तान का नंबर 1 ग्रुप बनाएं, और जिस जिस सेगमेंट में हम हैं हर उस सेगमेंट की हर इंडस्ट्री को पाकिस्तान का नंबर 1 इंडस्ट्री बनाएं। अच्छा, इतने सक्सेसफुल होने के लिए पहले काफ़ी फेलियर्स एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं जिनसे आप सीखें, तो ऐसा क्या एक कॉर्पोरेट डिसीजन है जो आप रिग्रेट करते हैं? नॉट इन द सेंस कि आपने उससे कुछ सीखा नहीं, बट इन द सेंस कि आप सोचते हैं कि काश मैं इसमें सही होता तो आज और बेहतर होता। हाँ, पहले ही जब मैं ज़्यादा, मेरी उम्र जब ज़रा और कम थी, अभी भी कम है वैसे, लेकिन जब ज़्यादा कम थी तो मैं इन बातों को उस तरह देखा करता था और सोचा करता था। लेकिन अब बहुत ज़माने से मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि एक चीज़ पे हमारा बिलीव होना चाहिए कि जो ज़िंदगी में हमारे साथ होता है या जो हम करते हैं वही सही होता है। ये कि मैंने ये कर लेता तो ये हो जाता, ये कर लेता तो वो हो जाता, ये सोच गलत होती है। शायद जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, और जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था। तो हमें बिलीव करना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है यही बेहतरीन हो रहा है।
जहाँ कॉर्पोरेट हेड्स की बात आती है, सीईओस की, बिजनेस लीडर्स की, उनकी जो डेली रूटीन्स हैं उस पर काफ़ी एम्फेसिस आजकल दिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल बिल गेट्स वगैरह जो टॉप सीईओस हैं दुनिया के, उनकी रूटीन्स के बारे में बात की जाती है कि दे वेक अप एट 4 AM. सही है, उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पे बहुत उनका इंटरेस्ट है. सो आपका एज अ कॉर्पोरेट हेड, आपकी डेली रूटीन किस तरह की दिखती है? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन खैर 4 बजे मैं नहीं उठता. हाँ, 7 बजे तक उठ जाता हूँ, 7-7:30 तक. और मैं कोशिश करता हूँ कि दफ्तर अपना 9 बजे शुरू करूँ. और हमने एक रूटीन शुरू की हुई है कि हम अपना पहला जो चाय का कप है अपने लीड टीम के साथ सुबह 9 बजे ऑफिस में पीते हैं और देन वी स्टार्ट वर्किंग. जहाँ तक सवाल है जल्दी उठने का, तो कोशिश होती है, लेकिन काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं नहीं समझता कि मैं 9 to 5 की रूटीन अभी मेंटेन कर सकता हूँ. लेकिन यस, सैटरडे को, संडे को हमें मौका मिलता है तो जितनी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकता हूँ मैं वो कर लेता हूँ. साइकिल भी चलाने की कोशिश करता हूँ, भागने की भी कोशिश करता हूँ. पता नहीं कितना हो सकता है, अभी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी इस चीज़ की. नहीं, दैट्स ऑल ग्रेट. और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है काफ़ी ग्रो हो रहा है अभी. जी, कोविड की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, बट ओवरऑल ट्रेंड अगर देखें तो वो अपवर्ड है. सो आपको क्या लगता है हमारा पोटेंशियल कहाँ तक है जाने का फार्मास्यूटिकल्स में, ओवरऑल बिजनेस सेक्टर? देखिए, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हम पर एहसान ये किया कि हम पर कोविड उस तरह इम्पैक्ट नहीं किया जिस तरह ग्लोबली उसने किया. और पाकिस्तान में कुदरती तौर पर इतना ज़्यादा ख़तरनाक कोविड नहीं साबित हुआ जितना दुनिया में ये साबित हुआ है, और पाकिस्तान ने उसका एडवांटेज भी लिया है. मैं दरख्वास्त करूँगा आपके सारे सुनने वालों से भी कि जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई वो ज़रूर लगवा लें, और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, और इसको अल्लाह का एहसान माने कि हमारे मुल्क में मुश्किलात कम आई हैं, लेकिन इसकी वजह से वैक्सीनेशन छोड़ दें, मास्क ना लगाएं, ये सब ना करें. और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ फॉर पाकिस्तान, मैं हमेशा से था और आज भी बहुत ज़्यादा हूँ. और अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान मैं समझता हूँ बहुत ही एक ऑनेस्ट लीडर पाकिस्तान के पास बहुत अरसे के बाद आया है, तो हमें सबको मेहनत करनी चाहिए. सिर्फ एक चीज़ की शिकायत है मुझे आम पाकिस्तानी से, वो ये कि मेहनत कम करते हैं. तो उनमें से शायद मैं भी एक हिस्सा हूँ. तो उसमें यह है कि हम सबको मेहनत बहुत करनी चाहिए. अभी हमें दुनिया में बहुत आगे जाना है, हम बहुत पीछे रह गए. हमें 40 साल हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं. अगर हमने मेहनत नहीं की तो हम और पीछे चले जाएँ. हमें संजीदगी के साथ इस मुल्क की खिदमत करनी है, इस वतन की खिदमत करनी है, और इसको आगे लेके जाना. और ये बहुत ही अच्छा नोट है एंड करने के लिए. थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया. आई नो कि आप काफ़ी बिजी होते हैं, बट इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड वेरी इंसाइटफुल. एंड ऑन दैट नोट, दिस इज इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ.